नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरियाणा से मनोज मोहर और एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो चाहते हैं जैसे कि हम आटा हैं वो आटा भी घर पे पीसते हैं। तो आज हम एक ऐसी यूनिक मशीन के बारे में बात करेंगे जहां पर आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो ये मशीन क्या काम करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट आप घर पे बना सकते हैं, वो सारी जानकारी हम सर से जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर हमें ये बताइए सर, इस मशीन का नाम क्या है और ये कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकती है सर? ये मशीन सर जी वायल प्रेस मशीन इसको बोलते हैं, तेल निकालने की मशीन। जिस तरह से आटा मसाला दाल दलिया बेसन निकालने के लिए घरेलू आटा चक्की होता है, उसी तरह से आप घर पे शुद्ध और प्योर जो है सो तेल निकाल सकते हैं। ठीक है, सरसों का। इसके अंदर सर हम कौन कौन से मतलब तेल किन किन प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं? इसमें सर जी आप सरसों का तेल, बादाम का तेल, तिल का तेल, लौंग का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल, जिन चीज़ों का तेल निकलता है उस उन सब चीज़ों का तेल आप इसमें निकाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये सरसों का तेल है सर जी, सरसों का तेल, और ये है ये बादाम का तेल, ये बादाम का तेल है, और नीचे ये नारियल का, नीचे ये नारियल का तेल है। ठीक है, ये तो हमारे पास अभी कम सारे हैं डिस्प्ले में, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे तेल होते हैं जिनको आप निकाल सकते हैं। तो अभी सर आप इसके हमें लाइव डेमो दिखाइए। इसके अंदर अभी सरसों है जी, अभी इसके अंदर में ना पीली सरसों है, और ये पीली सरसों को मैं आपको दिखला रहा हूँ कि ये कैसे निकलता है। तो इसका ऑन का बटन ऑन ऑफ इसका यहाँ पीछे है, पीछे की तरफ इसका ऑन ऑफ का बटन होता है। ठीक है, और ये जो है पीछे की तरफ ठीक है, ये दोनों ऑन करने हैं, ये दोनों ऑन करने हैं। कोई भी जो हम ठीक है, जैसे हीटर ऑन हो जाता है उसके बाद हम प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर ने बताया कि ये हीटर का बटन जो वो पहले 5 मिनट आपको ऑन रखना है, उसके बाद आप जिस भी चीज़ का तेल निकालना चाहते हैं, जैसे अभी इनमें सरसों डाल रखे हैं पीली सरसों, तो जो भी आप नारियल का निकालना चाहते हैं उसको टुकड़े करके आपको इसमें डालना पड़ेगा। तो अब इसको ऑन करके दिखाइए सर एक बार टुकड़े करने में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तो सरसों का निकल रहा है यहाँ पर कचरा, और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख पाएंगे ये नीचे की तरफ आपको तेल निकल रहा है इसका। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का यहाँ पर तेल निकाल सकते हैं। सर हमें ये बताइए ये मशीन 1 घंटे के अंदर कितना तेल निकाल देगी? 1 घंटे के अंदर आपको 5 किलो तक, 1 घंटे में 5 किलो, 5 किलो। और इसकी कंजप्शन क्या है सर, ये बिजली कितना खाती है? 2.5 घंटा चलने पे 1 यूनिट पावर कंजप्शन है, 2.5 घंटे चलने पे 1 यूनिट जी। ठीक है, और इसकी कोई मेंटेनेंस सर या कोई? 0 मेंटेनेंस है सर, इसका कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है। इसके अंदर में ये रॉड होता है और ये सेल होता है। ठीक है, इसी की साफ सफाई करनी है। अच्छा, सिर्फ ये हमें रोड की सफाई करनी है और कुछ नहीं है? और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार। तो सर इसका कीमत क्या होगी सर इसकी? ये बाजार में जो इसकी कीमत है वो करीब 20,000 और 22,000 के रेंज में है, पर यहाँ पे हम 4,000 रुपये का डिस्काउंट कर रहे हैं, ये 16,000 और 18,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। मतलब 16 दो मॉडल आपके पास, एक 16,000 का और एक 18,000। मॉडल तो बहुत सारे हैं लेकिन डोमेस्टिक रेंज में 16 और 18 आफ्टर डिस्काउंट पड़ रहा है। तो सर कोई आपसे जुड़ के मान लीजिए इसकी डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे तो क्या सर वो भी संभव है? बिल्कुल संभव है सर। तो सर आप एक बार अपना फ़ोन नंबर और आपका पता जो वो बता दीजिए, कोई आपसे जुड़ना चाहे। कोई भी आदमी अगर वायल प्रेस मशीन में डील करना चाहते हैं, डीलर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो काइंडली कॉन्टेक्ट आवर ऑन दिस नंबर 9811063800 931। आपका विजिटिंग कार्ड दिखा दीजिए। तो इनसे अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदने हैं तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर इनका आपको एड्रेस भी दिखाई दे रहा है, फ़ोन नंबर भी दिखाई दे रहा है, अधिक जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि इस एक छोटी सी मशीन को यूज़ करके इन सब चीज़ों का जिसका भी तेल निकलता है, बादाम का हो, अखरोट का हो, या नारियल का हो, सरसों का हो, कोई भी तेल आप घर पे निकाल सकते हैं छोटी सी मशीन से। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट करके आप सारी जानकारी जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी। मिलते हैं नई वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ, और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। जय हिंद, जय भारत।